अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, पहचाने? हाँ इरफान भाई बताइए, सब खैरियत से भाई? हाँ, ये नंबर तुम्हारा है क्या? हाँ भाई मेरा ये नया नंबर लिया है व्हाट्सएप का। हाँ दूसरा नंबर तो बंद है। नहीं बंद नहीं है, वो शॉप पे होगा। वो तुम्हारे भाई ने फायदे फोन के नंबर लिया आपसे। अच्छा अच्छा, नहीं वो शॉप पे रखा हुआ है मोबाइल। अच्छा 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 अच्छा, मैं आज फुर्सत में बैठा हूँ, कुछ टाइम पास हो जाए, पहले कुछ हदीस की बात हो जाए, तकलीफ के मौजू पे कुछ थोड़ी बहुत बात हो जाए। हाँ भाई असल में यही ना नंबर, मतलब भाई वो बहुत जगह मतलब भाई बट गया था ना, तो नंबर भाई को चेंज कर दिया। अब रात को दो दो बजे फोन करके परेशान करते थे, 24 घंटा फोन पे फोन फोन पे फोन, तो नंबर हमने चेंज कर दिया। अच्छा। हाँ बताइए भाई, तकलीफ क्या है मेरे भाई? आप तकलीफ के बारे में क्या जानते हो बताइए, फिर मैं कुछ बोलूँ आपको। भाई जो हम जानते हैं वो पूरी दुनिया जानती है, आप जो जानते हो वो हो सकता है खाली आप जानते हो, तो आप ही बता दो। तकलीफ के माने क्या है? तकलीफ के माने क्या है भाई? इंसान के लिए अगर इस्तेमाल होता है तो उसको बोलते हैं गले का हार, जानवर के लिए इस्तेमाल होता है तो उसको बोलते हैं गले का पट्टा। तकलीफ जो है भाई वो एक अरबी का अल्फाज है जो भाई कलादा से आया है। कलादा, ये कल्ली जो कलादा से आया। बराबर। अच्छा, तो और इस्लाम इसकी तारीफ है कि किसी भी गैरे नबी की बात को बिना दलील के मान लेना भाई उस अमल का नाम तकलीद है। अच्छा, ये आपने इसका मफहूम बयान किया, क्या बयान किया कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना ये तकलीद है। हाँ मेरे भाई। हेलो, हाँ वापिस से सुनो, आपने अभी आपने तकलीफ की तारीफ ये की है कि किसी गैर नबी की बात भाई को मैंने नहीं की, आपके हनफी आलिमों ने मुसल्लम में सबूत लिखा हुआ है कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। तकलीद है, तो आप इस तकलीद के मुनकिर हो या कायल हो? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल मुनकिर है। मुमकिन है, अच्छी बात माशाल्लाह। तो ठीक है, तो आप हर अमल में, हर जितने भी अमल रोजमर्रा के जो अमल है उसमें आप तहकीक करते हो, तकलीद करते हो? भाई अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक करते हैं उसके बाद अमल करते हैं। अच्छी बात माशाल्लाह। नमाज से पहले वजू है, वजू से पहले गुसल है, सब टोटल ठीक है ना? तो गुसल का तरीका, उसमें फराइज कितने हैं, सुन्नतें कितनी हैं, मुस्तहबात कितने हैं, इसके ऊपर दलील कब दोगे मेरे को आप? क्योंकि आप तहकीक करके नहीं तो अमल करते हो, नहीं तो इससे आपको लेना देना क्या गुसूल से और वजू से? और बिल्कुल पाकी आधा ईमान है, अगर आपका तहारत नहीं है तो आपका न वजू है न नमाज है। आपका मेरी तो है मेरे भाई, आप अपनी बात कर दीजिए ना। नहीं नहीं, अब मौजू क्या है, देखो मौजू पे, मौजू पे चलो। आपने तकलीफ की तारीफ बताई कि किसी गैर नबी की बात को बिना दलील मान लेना इस गुमान पर कि उसके पास कुछ न कुछ दलील तो मौजूद होगी। तो मैंने आपसे सवाल ये किया कि क्या आप इसके मुनकिर हो या तायद कर दो? भाई हम बिना दलील की बात मानने के बिल्कुल भाई हम उसके भाई हम खिलाफ हैं, हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सवाल फिर मैंने उसी पे आपसे ये सवाल किया कि आप तकलीफ करते हो या तहकीक करते हो? भाई हम तालीम हासिल करके तहकीक करते हैं, उस पर अमल करते हैं। बंदे मैं क्या बोलता हूँ, मेरे दो लफ्जों में पूरी बात चुकी हुई है, मेरी एक लाइन में पूरा का पूरा दीन इस्लाम भाई एकदम बेसिक जो मैंने बताया। तहकीक करके करते हो, सुनो ना, हर अमल तहकीक से करते हो ठीक है ना, तकलीफ नहीं करते, क्योंकि जब तक तुमको तहकीक नहीं मिलेगी आप उस पर अमल नहीं करोगे। तो आप गुसल करते हो तो गुसल के अंदर फराइज कितने हैं उसकी दलील क्या, सुन्नत कितने उसकी दलील क्या, मुस्तहबात कितने उसकी दलील क्या, फिर वजू ले लो, वजू के अंदर फर्ज कितने उसकी दलील क्या? बता चुका हूं अल्लाह के बंदे कितनी बार है। बात तो सुनो, बात सुनो, बात तो सुनो ना, वजू के ऊपर फराइज कितने, वजू के अंदर फराइज कितने, उसकी दलील कहाँ कहाँ पर है, प्लस उसके अंदर भाई यार तारीख क्या है? सुनो आज 21 तारीख है, 21 तारीख, 21 जनवरी शनिवार का दिन है।
21 अच्छा उसके बाद में वजू के अंदर सुन्नत कितनी है, मुस्तहबात कितनी है, उसकी दलील क्या है, फिर नमाज के अंदर के जो फराइज है, बाहर के जो फराइज है वो फराइज कितने हैं, उसकी दलील क्या है, नमाज के अंदर फराइज कितने उसकी दलील क्या है, नियत बांधने से लेके सलाम फेरने तक हर हर अमल पर आप दलील पेश करेंगे मुझे अभी। हाँ तो मेरे भाई पेश करेंगे ना, लेकिन एक दिन में एक ही चीज को पेश करेंगे। अब आपको पूरे इस्लाम की दलील आनी चाहिए एक ही फोन में। बात सुनने नहीं, बात मैं तुमसे ये मुतालबा नहीं कर रहा कि तुम मुझे अभी के अभी चाहिए। भाई हम आपको खाने खाने के आदाब बता देंगे, वजू करने के आदाब बता देंगे, गुस्ल करने के आदाब बता देंगे, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है वो बता देंगे, हम सब आपको सिखा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्टेप बाई स्टेप एक एक करके एक साथ घूर के पिला देंगे तो आपको हजम नहीं होगा। दलील के साथ, क्योंकि अरे जब पहले हदीस कह रहा है कि बता देंगे तो जाहिर सी बात है भाई वो हवाला देगा, दलील देगा। अच्छी बात है, पहले हदीस से आप बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस से बात कर रहा हूँ ना। हाँ गुस्ल में फर्ज कितने और उसकी दलील कहाँ पर है ये कब बताएंगे आप मेरे को? आपको कब जानना है ये बताइए मेरे को। अभी मेरे को तो अभी जानना है, वो बता दो क्या चीज। गुस्ल में फर्ज कितने हैं वो बता दीजिए दलील के साथ। नंबर से बताएं या ऐसे बताएं? अरे नंबर से नहीं, नंबर तो तुमको मैंने पहले गिनवा दिया था, तीन फर्ज है। नहीं नहीं मतलब आप लोगों ने माशाल्लाह, आप लोग भाई को जमाती हो तो आप लोग कहते हो नमाज में 14 फराइज हैं, 7 अंदर के 7 बाहर के, तो जैसे आपने भाई ये नंबरों में दिन बात लिया है तो वैसे बताना है या नॉर्मली आपको बताना है? मैं क्या बोलता हूँ, फर्ज का मतलब ये होता है कि उसके छूट जाने से आपका गुस्ल नहीं होगा। बात समझ में आ रही क्या? फर्ज जो चीज़ सुनना, सुनो वाजिब के छूटने से तुम्हारी नमाज तो हो जाएगी लेकिन तुम पर सजदा सहू लाजिम आएगा। बात समझ में आई? मेरे भाई को अलग सुनो ना सुन्नत के तर्क से नमाज हो जाएगी लेकिन तुम्हारे को उस सुन्नत के सवाब से महरूमी होगी। समझ में? तुम्हारी नमाज फासिक नहीं होगी। अगर सुन्नत मौकीदा छुट्टी है तो उसका गुनाह तुम पर होगा, गैर मौकीदा छुट्टी है तो तुम सवाब से महरूम हो जाओगे। सवाल ये है कि आप तकलीद नहीं करते, तहकीक करते हो, तो सबसे बुनियाद दीन की बुनियाद सबसे पहले आती है तहारत पर। तहारत में सबसे पहले आता है गुस्ल, और गुस्ल के अंदर है तीन फराइज जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना, और मुंह भर की गरारा करना, और रोजे की हालत में तो कुल्ली करना, और सर के बदन को पूरे इस तरह भिगाना कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे। ये तीन फराइज है। अब इन तीन फराइज की दलील आपको मुझे देना है क्योंकि आप तकलीफ नहीं करते। हेलो आप अभी नहीं देगा? हाँ भाई आप बोलते जाओ। हाँ क्योंकि आप तकलीफ नहीं करते, तहकी करते तो कब देंगे? अभी देते क्या बाद में देते? अरे अल्लाह के बंदे देखिए आपने एक ही सांस में मतलब भाई कितने सारे आपने मतलब भाई वो क्वेश्चन हमसे पूछ लिए। क्या समझ रहे हैं? तहारत एक बहुत बड़ा भाई वो एक मतलब भाई वो टॉपिक है उसमें तहारत में भाई मतलब भाई वो स्टार्टिंग से लेके आखिर तक आप समझ रहे हैं भाई उसी में मतलब भाई वो गुसल आ जाएगा, वजू आ जाएगा, और वो इस्तिंजा आ जाएगा, मतलब सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल आपको सारी की सारी मतलब भाई वो दलील हवाले एकदम फौरन ही चाहिए इसके लिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं शुरू से लेके आखिर का अच्छा चलिए अच्छा ठीक है आपकी की लैंग्वेज में आपको बता देते हैं अल्लाह के बंदे। ठीक है जो भाई जो होता है ना भाई वो गुस्ल यानी कि पाकी हासिल करना उसमें जो भाई वो फर्ज है भाई वो है तीन। अच्छी बात। पहला है कि भाई अपने भाई वो मुंह को भरकर कुल्ली करना। बिल्कुल सही बात। ये आपकी भाई जो किताब है भाई वो शामी में भाई वो बोलिए 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 423 नंबर पे उतरा हुआ है। ये उतरा हुआ है बराबर बराबर बराबर। नाक में पानी डालना ये आपका भाई शामी में 423 नंबर पे उतरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे बदन पर इस तरह पानी डालना कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना रह जाए। ये भी आपका शामी में उतरा हुआ है। बिल्कुल 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 ठीक है। अब सुनिए वजू के अंदर जो है
वजू के मत जाओ भाई, एक मिनट सुन लीजिए, आपने इतना बोल लिया है। अरे थोड़ा मेरे को बोल, टॉपिक लंबा कर दोगे तुम, टॉपिक मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में इंशाल्लाह मैं आपको बोले दे रहा हूँ। अच्छा बोलिए भाई, वजू में चार फर्ज है। पहला जो है भाई वो है पेशानी के बालों से, जो मतलब भाई वो थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरे चेहरे को धोना, ठीक है। ये भी आपका है भाई, ये शामी में 235 नंबर पे लिखा हुआ है। दोनों हाथ को कोहनियों समेत धोना, ये आपका शामी में उतरा हुआ है 247 पे। चौथाई सर का मसा करना, ये भी आपका शामी में उतरा हुआ है 247 पे। और दोनों पांव टखनों समेत धोना, ये भी शामी में उतरा हुआ है 247 पे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी आप अब ये हो गया फर्ज, अब आते हैं सुन्नत पे। हेलो हेलो हेलो, अभी फिर बात घुमा, आप तकलीफ नहीं, बात कहाँ घुमा रहे, आपने पूछा ना फराय सुन्नत नफील वाजिब अदा सबकी दलील दीजिए, तो देने जा रहे हैं वाले में, तो तुम शामी की तकलीफ कर रहे हो, फिर तहकी क्या कर रहे हो आप? मेरा मौजूद तकलीफ है, आपका दावा है कि मैं तकलीफ नहीं करता, मैं तहकी करता हूँ। ये जो चार फर्ज इसमें गिनवाए गए और ये तीन फर्ज इसमें गुसल में गिनवाए गए, तो इसके ऊपर दलील क्या है, वो दलील बताओ मेरे को। अरे तो दे तो दी आपकी मेरे भाई किताबों से। अरे वो तकलीफ है उसके पास, वो तकलीफ कैसे मेरे भाई, अजीब बात, तकलीफ होती है बिना दलील के, हम तो दलील दे रहे हैं ना। हेलो शामी पुराने के अजीब है, तो शामी क्या मेरे भाई, शामी आपके वहाँ नहीं है। अरे शामी नहीं, बात चौधरी भाई देखिए, आप जिस चीज को मानते हैं आपको उससे दलील हम देंगे ना। अब आपको बाइबल गीता महाभारत रामायण इनसे तो दलील देंगे नहीं। आप एक मिनट में बात सुनो, मैं आपको सिंपल अंदर से समझाता हूँ। आपने कहा कि तकलीफ उसे कहते हैं कि गैर नबी की बात को इस गुमान पर मान लेना बिना दलील के कि उसके पास कोई दलील मौजूद होगी। समझ में, ये बात आपने कही, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो या नहीं, यानी तकलीफ को मानते हो कि नहीं, तो आपने कहा नहीं। अब तकलीफ का अपोजिट क्या हुआ, भाई तकलीफ का अपोजिट हुआ इत्तबा। इत्तबा हमारे वहाँ भाई, हमारे दीन में जाएगा, तकलीफ हमारे दीन इस्लाम में ही नहीं। दलील के साथ ना। हाँ तो दलील मैंने आपको दे दी, दलील तो दलील आपने तकलीफ वाले दी, तहकीक वाले क्या दी। तो मेरे भाई देखिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि वो सामने वाले के भाई जो भाई उनकी दलील होती थी, उनके उनके घर की दलील से उनको जवाब देते थे। अल्लाह के बंदे, शामी वाले ने तो खाली फर्ज गिरवा है, उसमें दलील आई है उसमें। तो मेरे भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि वो सामने वाले के घर से उसको दलील देते, उसको भाई वो साबित करते थे। वो मुकल्लिद मानता है उसको कि शामी वाले में दलील है कुरान और हदीस में। तुम बोलते मैं तकलीफ को नहीं मानता, कुरान हदीस में है, उसको हम बाद में आएंगे, कुरान हदीस पे भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, दलील दो। अरे पहले आप एक चीज बताइए, शामी आपके लिए भाई मतलब ये हुज्जत है कि नहीं। अरे वो शामी वाले में फर्ज निर्वाह है कि भाई गुस्ल के अंदर इतने फर्ज, हम समझ रहे हैं आपकी बात। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, शामी को आप दलील मानते हो कि नहीं? अरे हमारे लिए तो मानते, हम तो मानते हैं ना, हमारे जब दलील आप मानते हो तो मैंने दलील के साथ आपको बता दिया, तो मैं आपने मेरी इत्तबा कर ली। अरे अल्लाह के बंदे, पांच चौधरी भाई आपने तकलीफ छोड़ दी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अक्कू खान की इत्तबा कर ली। अरे मेरे भाई, क्योंकि मैंने दलील आपको आपके घर से दी है। अच्छा मेरे को ये बताओ, शामी वाला कुरान है कि हदीस है? शामी वाला आपके लिए क्या है भाई, वो दलील है? बोलो ना, शामी वाले का आलिम है, जिसने एक आलिम ने किताब लिखी, आप एक लाइन बोल दो, आप एक लाइन बोल दो कि ये शामी जाए, क्योंकि बाद में हम इसको नहीं मानते हैं, तो आपको कुरान हदीस से बताएं। मानते मैं तो मैं मानता हूँ ना, तो मानते हो तो जो चीज मानते हो वही चीज हमने आपको दलील में पेश कर दी, उसमें क्या दिक्कत है? आप तकलीफ से मुनकिर हो, आप इत्तेबा वाले हो, इत्तेबा का मायने आप ये बताते हो कि तहकीक करना, इत्तेबा का मानना तहकीक नहीं है मेरे भाई। इत्तेबा का मानना होता है दलील की बुनियाद पे लोगों को बताना, तो हमने आपको आपके घर से दलील दे के बता दिया। अजीब मेरे भाई, अजीब भाई, ऐसे काम कैसे बनेगा? कुरान करीम के अंदर से पेश करो कि देखो ये विषय में जो फर्ज है ना, इसकी दलील ये है,
अजीब से पेश करो। अरे वजू के बारे में भी कुरान में आ गया है, कौन कौन से पार्ट को धोना है नहीं धोना है, हम उस पर बाद में आएंगे। कुरान हदीस देखिए, हमारा उसूल है कि हम भाई जो सच्ची मुकद्दमी होते हैं उनको उनके इमाम का उनके मसलक का कॉल करते हैं। हम नहीं तकलीफ करते हैं मेरे भाई। अरे तो फिर दलील दो तो दे तो दिया, शामी आपके वहाँ दलील नहीं है। शामी तो कुरान और हदीस थोड़ी है। तो कुरान हदीस नहीं है ना, लेकिन आपके लिए तो दलील है ना, आपकी मसलक की तो दलील है ना। हनफी मौलाना ने किताब लिखी जिसे नाम लिखे शामी, उसमें भाई पांच चौधरी भाई, आप मेरे भाई आराम से ठंडा पानी पीजिए और औजुबिल्लाह पढ़िए। अगर भाई खड़े हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो लेट जाए, उसके बाद भी आराम ना मिले तो आप आराम से सो जाए। लेकिन मेरी बात इत्मीनान से एकदम भाई आप सोचिए, अगर आप मेरे भाई फतवे को मानते हैं, फिका को मानते हैं, अपने मसलक को मानते हैं, तो आप उससे साबित करेंगे ना। अब हम आपको बाइबल, गीता, महाभारत, वेद इससे तो साबित करेंगे नहीं। तो जो चीज आप दलील मानते हो, हम आपको उससे दलील देंगे। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे लिए तो वो चार फर्ज जो उसने गिनवाए वो हुज्जत बन गया। तो आपके लिए हुज्जत बन गया ना, तो जो चीज़ आपके लिए हुज्जत है मैंने उससे साबित कर दिया, तो आपको क्या दिक्कत है? मसला मेरा नहीं चल रहा है यहाँ पर, मसला आपका चल रहा है। तो मेरा क्या मसला चल रहा है? तुम्हारा मसला ये चल रहा है कि आप उसके मुनकिर हो। तो किसके मुनकिर है? तकलीफ दे भाई, शामी के मुनकिर हम नहीं है। हम तकलीफ जो अमल है, जो बिना दलील के लोग लोगों की बातों को मान लेते हैं, उसको दीन समझ लेते हैं, उसके मुनकिर है। तो मैं तो अभी आपको सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ कि उसूल के अंदर जो फर्ज होते हैं वो शामी वाले ने बिना दलील के निकल कर दिया। हम मानते हैं कि उसके पास दलील मौजूद है। बिना दलील के कहाँ क्या मेरे भाई, दलील है ना। दलील तो आप मानते हो। अरे बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी भाई जब भाई वो नहाते थे, गुस्ल करते थे, तो भाई वो कुल्ली करते थे। तो बुखारी से साबित है ना, वो स्कैन पे डालेंगे बुखारी में। अरे मेरे भाई बुखारी में मेरे भाई पूरी एक भाई वो किताब है, किताबुल सहारा। सुनो ना, हाँ, फर्ज के लिए दलील क्या होती है वो मालूम है तुम्हारे को? क्या होती है भाई बता दीजिए। नहीं मालूम? नहीं नहीं हमें मालूम है, आप थोड़ा बताइए। हो सकता है आप कोई भाई को नई चीज लेके आओ। इसलिए बोलते हैं आपको भाई, भाई फर्ज होता है अल्लाह सुभान व तआला का हुक्म और अल्लाह के नबी का हुक्म। इसलिए बोलते हैं उलमाए किराम के पास जाके बैठा करिए। भाई हम उलमाए दीन के पास ही बैठते हैं, इसलिए आपको घर की हकीकत बता रहे हैं। हक के पास जाइए, उलमाए हक के पास ही बैठते हैं। हक खाली वही है जो उलमा कुरान हदीस की बात बताए, अपने मसले की बात ना बताए। सुनो सुनो, फर्ज साबित करने के लिए तरी नसे पुरानी चाहिए, ये हदीस मुतवातिर। अरे तो वही मैंने आपको आसान करके बता दिया कि अल्लाह का जो भाई वो ऑर्डर है, हुकुम है भाई, वो फर्ज है, और जो अल्लाह के नबी का ऑर्डर है, हुकुम है, वो फर्ज है। अल्लाह आपको सीधी आसान बात समझ में नहीं आती, आपको गोल गोल मुतवातिर हो, नस से साबित हो और हाथ से साबित हो। यार अभी चलो देखो, ऑडियो बहुत लंबी हो गई है अभी। ऑडियो लंबी नहीं, पहले आप साबित कीजिए कि आप शामी को हुज्जत मानते हैं कि नहीं। अरे मुकल्लिद के लिए उसके इमाम का कॉल हुज्जत है, बात खत्म। तो इसीलिए तो आपके इमाम का कॉल पेश कर रहे हैं ना, आपके मसलक का कॉल पेश कर रहे हैं, बात खत्म। तो आप कुरान हदीस क्यों मांग रहे हैं हमसे? भाई तुमको तकलीफ नहीं, तहकीक कैसे कर रहा है? आप हमसे कुरान हदीस क्यों मांग रहे हैं मेरे भाई? जब आप तकलीफ हो रही है उस समय हमसे आइएगा कुरान हदीस की बात करने। चलो आप मैं बिलफर्ज मान लो, मैंने तकलीफ छोड़ दिया। नहीं बिलफर्ज नहीं, आप अल्लाह की अल्लाह को गवाह बना के कहिए कि अप्पू भाई मैंने आज से तकलीफ करना छोड़ दिया, मैंने लात मार दिया तकलीफ को। तो इंशाल्लाह मैं आपको बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी, नसाई, इब्न माजा, मैं इनसे साबित करूंगा आपको। तुम्हारे सुनो सुनो, बुरा नहीं मानना मैं क्या, बुरा हम नहीं मानते मेरे भाई, जो हमसे बात करता है भाई वो मान जाता है बुरा। तुम्हारे जो मौलवी लोग है ना, तुम्हारे मौलवी लोग जब हवाला काम उनसे करते है ना, उनकी हवा निकल जाती है, फिर बाद में वो बहाने भरते नहीं नहीं हम तकलीफ के मुनकर नहीं है, वो आवाम जाहिल है भाई। अब पता नहीं कौन से जामिल आलिम से आपने बात कर ली और उसको हमारे आलिम के ऊपर कयास कर रहे हैं। असल में आपका दीनी पूरा कयास का है ना। आप कोई नंबर आपके बड़े बड़े आलिम भाई भागते हैं, डरते हैं कि कहीं कोई अहले हदीस आके हमसे दलील ना मान ले। कोई जिम्मेदार आलिम आपका कोई मेरे भाई बड़ा मोतबर अल्लामा हो तो उसका नंबर आप दे दीजिए, उसकी ऑडियो आपके पास एक घंटे में इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। अरे एक घंटे की बात नहीं जनाब, जो आप छाती पीट के कहते हो ना कि हमको मुकल्लिद है, हमको मुकल्लिद है, वो आप अपने आप को भाई
तकलीदी नहीं साबित कर पाओगे मेरे भाई। बात कुछ फालतू जगह जा रही है, मैं तुमको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, इंशाल्लाह अगर खाना पक गया है मेरा मैं बाद में फोन करता हूँ। भाई आपका खाना पक गया है, आराम से खा लीजिएगा, खाने खाने के आदाब आपको बता दें ना मालूम हो तो। हम दुनिया को बता रहे, तुम हमको बताओगे मेरे भाई? दुनिया को आप क्या बता रहे, बताइए खाना खाने का आदाब बताइए जरा। खाना खाने के आदाब है, दो सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों से गट्टों समेत धोना, एक दस्तरखान बिछाना, दो तीन तरह के बैठने के तरीके है, कौन कौन से? दो जानू है, एक जानू है, समझ में आए। और जब खाना हमारे सामने रखा जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करना। क्या करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करना। अगर बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे? अल्लाह के नबी बिस्मिल्लाह ही पढ़ते थे। अगर बीच में कभी बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाओ, तो बिस्मिल्लाह बोलिए ना पूरा। ये तो आप मतलब भाई ये बिस्मिल्लाह पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ते अल्लाह के नबी खाली, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह के नाम से शुरू नहीं, पूरा ही पढ़ते थे। आप दलील दीजिए मेरे भाई। दे देंगे, टेंशन मत लो, अपनी किताब मिलेगी नहीं, बैठा हो खाली बातचीत कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब हमें अचानक फोन कर देंगे तो पूरा हवाला लेंगे? अरे तो हम तो तकलीफ के मुनकर हैं ना, तो हम तो तकलीफ के मुनकर हैं, हम तो साबित कर देंगे। तो मैं तो तकलीफ वाली बात कर रहा हूँ। जो और बताइए खाना खाने का आदाब, समझ में? और खाना खाने अपना बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो दुआ पढ़ना, जो कौन सी दुआ है वो? अरे यार, जो आप बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं तो भाई, जब अल्लाह के नबी खाना खाते तो अल्लाह के नबी पढ़ते बिस्मिल्लाह, ठीक है? ये भाई हदीस से जामे तिर्मिजी की हदीस नंबर 1858। और अल्लाह के नबी जब भाई वो कभी भूल जाते तो बीच में अगर आपको पढ़ना हो तो बिस्मिल्लाह ही अव्वलु व आखिरु, अबू दाऊद की हदीस है। खाने में ऐब ना लगाना, गरम ना एकदम गरम गरम ना खाना, पानी को 3 सांस में पीना, खाने में ऐब ना लगाना, और अगर साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं तो साथियों का इकरार करना। आप जो सुन्नत बता रहे हैं आप थोड़ा आगे पीछे मिक्स करे दे रहे हैं, मैं आपको ठीक से बता देता हूँ। तो आज जब आप खाना खाइएगा एकदम ठीक से आप पढ़िएगा, ठीक है? इच्छा बाई इच्छा, सबसे पहले मेरे भाई दस्तरखान बिछाना, अच्छी बात। उसके बाद दोनों हाथों को भाई कहाँ तक धोना? गट्टों तक धोना। अच्छा, और खाने से पहले की जो भाई जो होती है दुआ उसको पढ़ना, यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़ना, खाली बिस्मिल्लाह पढ़ना। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह भाई, ये साबित नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। जब साबित नहीं है तो क्यों पढ़ सकते भाई? नहीं तो इसमें कोई मतलब भाई वो मतलब कुफरी अल्फाज तो है नहीं ना, ये तो अल्लाह की हमदो सना है। मतलब आप चाहें तो पढ़ें, अगर पढ़ लें तो कोई मतलब इसका अजाब नहीं है, और ना पढ़े तो अच्छी चीज है, उतना ही पढ़े जितना अल्लाह के नबी ने पढ़ा है। अच्छी बात है, आगे बढ़िए। हाँ, आगे है कि एक जानू या दो जानू बैठना, अच्छी बात है, आगे बढ़िए। ये इब्ने माजा की हदीस भाई, ये साबित है, ठीक है? आगे बढ़िए। दाएं हाथ से खाना खाना, सीधे हाथ से, बिल्कुल सही बात है। अपने सामने से मतलब जो आपके सामने जो टेबल पे भाई उसको स्टार्टिंग करना, बॉक्सिंग में खेलना, और तीन उंगलियों से खाना खाना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुस्लिम की हदीस है ये। बोलिए, आगे बोलिए। अगर मतलब कोई भाई वो खाना है लुकमा है, अगर भाई वो गिर जाए तो उसको उठा के साफ करके उसको खा ले, क्योंकि अल्लाह के नबी कहते हैं शैतान के लिए भाई उसको ना छोड़ो। अच्छी बात है। उसके बाद मेरे भाई जब आप खाना खा लें तो बर्तन और वो उंगलियों को बिल्कुल चाट कर साफ करके खाएं। माशाल्लाह, टेक लगा कर एकदम ना खाएं, टेक लगा के ना खाने में कोई उंगली ना करे कि हाँ इसमें ये कम है वो कम है, फालतू का ऐब लगाना। बराबर एकदम बहुत ज्यादा मतलब भाई वो खौलता हुआ ना खाना कि आदमी खा ले तो उसका मुंह एकदम भाई एकदम जल जाए। बराबर। और खाना खाने के बाद जो खाना खाने की बात की दुआ है उसको पढ़ना। क्या दुआ बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। और खाने के बाद भाई वो हाथ को धोना और कुल्ली करना, ठीक है? चलिए, ठीक है, अज़ान हो रही है, इंशाअल्लाह आपसे बात करते हैं। दावत की दुआ क्या है? दावत करेगा तो
भाई अजान हो रही है, अजान के आजाद भी आपको नहीं मालूम है, फोन काट दीजिए आप। ओके, अस्सलाम वालेकुम। बहुत